श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद जब उनका अंतिम संस्कार किया गया तब आग में सब कुछ जल गया, शिवाय उनके दिल के और दिल धड़क रहा था। इसे देखकर पांडव चकित हो गए। तभी आकाशवाणी हुई कि यह ब्रह्म का हृदय है, इसका नाश कभी नहीं हो सकता, इसे समुद्र में प्रवाहित कर दें। तब पांडवों ने श्री कृष्ण के हृदय को समुद्र में प्रवाहित कर दिया। समुद्र में पहुंचते ही हृदय ने एक लकड़ी का रूप धारण कर लिया और तैरते तैरते उड़ीसा के समुद्र तट पर पहुंच गया। एक रात उड़ीसा के राजा को सपना आया और उन्होंने सपने में देखा कि श्री कृष्ण का हृदय समुद्र तट पर एक लकड़ी के रूप में मौजूद है। सुबह उठकर राजा समुद्र तट पर पहुंचे तो सच में उसे लकड़ी का लट्टा दिख गया। राजा ने लकड़ी को उठा लिया और फिर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्ति तैयार की और फिर उसे पुरी के मंदिर में स्थापित करवाई, जो अभी ओडिशा में है। वहां आज भी श्री कृष्ण का दिल धड़क रहा है और हर 12 साल में जगन्नाथ की मूर्ति को बदला जाता है।